हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक नया सीरीज शुरू करने वाली हूँ जो कि है मस्ट हैव्स। तो मैं बेसिकली वार्डरोब एसेंशियल सीरीज शुरू करने वाली हूँ, जिसमें मैं बेसिक चीज़ें इंक्लूड करूँगी जो आपके पास मस्ट हैव है, जो आपके पास होने ही चाहिए। तो किसी वेडिंग पार्टीज में जा रहे हैं, या आपके घर पे शादी है, या फिर आप एज अ वेडिंग गेस्ट अटेंड करने जा रहे हैं पार्टी को, तो ये फाइव मस्ट हैव चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए, जिससे आप स्टाइलिश भी लग सकते हैं एंड ग्लैमरस भी लग सकते हैं। एंड ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए, लाइक अफोर्डेबल होंगे एंड मिनिमम वार्डरोब भी आप बोल सकते हैं, मिनिमम वार्डरोब एसेंशियल्स भी बोल सकते हैं, जो मस्ट हैव है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने वाली हूँ। सो ये एक न्यू सीरीज मैं शुरू करने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको फॉलो करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट वीडियो में मैं बेसिक चीज़ें इंक्लूड करना चाहूँगी, फाइव बेसिक चीज़ें जो आपके पास होनी ही चाहिए अगर आप एक वेडिंग गेस्ट के तौर पर, एज अ वेडिंग गेस्ट आप एक शादी अटेंड करने जा रहे हैं तो भी आपके पास होनी ही चाहिए, एंड अगर आप के घर में शादी है तो भी आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं इंक्लूड करना चाहूँगी वो मस्ट हैव है कि आपके पास एक गजरा होना ही चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इन है। अभी आप देखे होंगे सेलेब्स को भी बहुत ज़्यादा गजरा हेयर स्टाइल को फ्लॉन्ट करते हैं वो लोग, एंड मैंने भी पहले कई वीडियो शेयर करी है, तो उसमें भी मैंने गजरा हेयर स्टाइल किस टाइप से आप बना सकते हैं वो भी शेयर किया, एंड गजरा लुक ट्रेडिशनल गेटअप के साथ वो भी मैंने शेयर किया है, तो मैं लिंक डाल दूंगी उसका, आप चेक कर लीजिएगा। तो मस्ट हैव है गजरा आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का होना ही चाहिए। गजरा बहुत सारे अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। मैंने खुद भी जो गजरा लिया था, मैं दिखाती हूँ आपको आगे, तो मैंने खुद भी जो गजरा लिया था वो भी मैंने अमेजोन से ही लिया था। थोड़ा सा फेक वो लगता है, बट अगर आपके पास लाइक जो फ्रेश फ्लावर्स हैं आप उसको अरेंज नहीं कर पा रहे, तो एक आर्टिफिशियल गजरा अपने पास बैकअप के, लाइक एज अ बैकअप आप रख सकते हैं। तो जब भी आपको बन हेयर स्टाइल बनाना रहेगा तो आप गजरा हेयर स्टाइल बनाइएगा, साड़ियों के साथ स्पेशली, साड़ीज के साथ बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा इन है अभी। तो एक गजरा जो है वो बेसिक वार्डरोब एसेंशियल है जो आपके पास होना ही चाहिए। आर्टिफिशियल गजरा जो रहता है वो तो आर्टिफिशियल लुक आता ही है, क्योंकि फ्रेश फ्लावर्स जो रहते हैं उसका थोड़ा लाइक फ्रेश तो लुक आएगा ही एंड बहुत अच्छी खुशबू ही रहती है उसमें। बट अगर आपके पास फ्रेश फ्लावर्स अवेलेबल नहीं है तो आप कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको फेक गजरा ही यूज करना पड़ेगा। तो एक फेक गजरा मैंने भी ले रखा है, तो ये मैंने अमेजोन से मंगाया था एंड इसका एक बॉक्स ही ऐसा टूटा हुआ ही मुझे रिसीव हुआ था, बट गजरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक बहुत अच्छी नहीं है, आर्टिफिशियल ये लगता है, बट बाकी और भी आप गजरा जो देखेंगे उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे, इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी लगती है। तो मुझे अगर इसका लिंक मिलेगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो मैंने भी बैकअप के लिए एक ये गजरा को लाइक मंगा के रखा है, एंड आपने देखा भी होगा मैंने कई मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल में इसे यूज़ भी किया है। तो ये काफ़ी ईजी टू यूज़ रहता है एंड लाइक ये सालों साल चलते हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी के आर्टिफिशियल गजरा में आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए, जो कि एक मस्ट हैव है। पर जो मैं इंक्लूड करना चाहूँगी मस्ट है वो है एक डोनट बन जो आपके पास होने ही चाहिए। तो मेरे पास है ये डोनट बन, देखिए ये, एंड ये सॉक्स से भी मैंने बनाया था, तो मेरे पास दो डोनट बन्स हैं एंड मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, लाइक आपको ये लोकल मार्केट में भी 50 के अराउंड मिल जाएगा, 50 रुपीज़ के अराउंड, एंड ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होता है एंड काफ़ी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो बट ये इतना चीप है, वेट इसका प्राइस बहुत कम है, बट ये बहुत मल्टीपर्पज यूज होता है इसका, आप बहुत सारे हेयर स्टाइल्स बनाने में इसको यूज कर सकते हैं, आप हेयर पैडिंग एज हेयर पैडिंग इसको यूज कर सकते हैं एंड आप इससे डोनट बन तो बना ही सकते हैं। तो अगर आप एक गजरा हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आपके बाल अगर बड़े हैं तो आप लॉन्ग हेयर पे ऐसे ही आपके नेचुरल हेयर पे बना सकते हैं, बट अगर आपके बाल छोटे हैं मेरे बालों की तरफ, क्योंकि अगर आप मेरे ब्लॉग्स को फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा मेरे हेयर की लेंथ ज्यादा नहीं है, जस्ट इतनी ही है, क्योंकि मैं हेयर कट फ्रिक्वेंटली कराते रहती हूँ। सो अगर आपको छोटे बाल हैं एंड उसके बाद आपको गजरा हेयर स्टाइल बनाना है तो आपके पास एक अच्छा क्वालिटी का डोनट बन होना ही चाहिए, तो ये भी एक मस्ट हैव है एंड मैं इसका भी देखती हूँ, लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ये तो मैंने लोकल मार्केट से लिया था एंड ये मैंने सॉक्स से बनाया था, सॉक्स जो होती है घर पे। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका ट्यूटोरियल भी शेयर कर दूंगी एंड आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी ट्यूटोरियल्स इसके मिल जाएंगे, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं एंड आप चाहें तो इसको भी बाय कर सकते हैं, काफ़ी लाइक कम प्राइस का रहता है तो आप मार्केट से ले सकते हैं इसको। सो ये भी है एक सेकंड मस्ट हैव जो आपके पास होना ही चाहिए। सोच रहे हो कि मेरे पास दो डोनट बन क्यों है, तो मैं ही बता दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है साइज तो ये मैं यूज कर लेती हूँ एंड ये थोड़ा सा छोटा है, तो मेरी बेटी के भी मैंने बन हेयर स्टाइल शेयर किया तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी।
तो ये मैं उसके यूज कर लेती हूँ। तो अगर लाइक एक सेम वेडिंग पार्टी में हमको जाना है तो ये आप गजरा हेयर स्टाइल बनाने के लिए भी बन को यूज कर सकते हैं, डोनट बन को, एंड आप वेस्टर्न गाउन पहन रहे हैं एंड उसके साथ भी आपको लाइक क्लासी अप हेयर बन जो बनाना रहता है, मैंने बेटी का मेरा शेयर भी किया था तो आप देखिएगा उसको बच्चों में काफी क्यूट लगता है गाउन वगैरह के साथ में। तो मैं ये उससे ये वाले हेयर बन से मैं उसका बन बना देती हूँ एंड ये वाले मेरे लिए यूज कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने दो रखा हुआ है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट मस्ट हैव जो आपके पास होना ही चाहिए वेडिंग सीजन में वो है एक स्टेटमेंट ईयरिंग। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अभी भी एक स्टेटमेंट ईयरिंग पहनी हुई है, तो ये काफी लाइक बहुत मस्ट हैव है, आपके पास होना ही चाहिए। कितने भी सिंपल कपड़े पहने रहे एंड अगर उसके साथ एक स्टेटमेंट ईयरिंग को इंक्लूड करते हैं अपने ड्रेसअप में तो आपका पूरा कंप्लीट लुक चेंज हो जाता है एंड आप एकदम से सडनली पार्टी रेडी हो जाते हैं। तो एक स्टेटमेंट ईयरिंग में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे पास काफी स्टेटमेंट ईयरिंग्स ही है क्योंकि मैं नेक पीस पहनना थोड़ा अवॉइड करती हूँ, मुझे पर्सनली इतना ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैं स्टेटमेंट ईयरिंग्स ही पहनती हूँ, ये मेरा पर्सनल स्टाइल है। तो मैं ये वाली देखिए एक स्टेटमेंट ईयरिंग है एंड मैं एक आपको और दिखाती हूँ। ये वाली जो है इसमें रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन एंड कुंदन का है, तो ये मेरे बहुत सारे आउटफिट के साथ मैच हो जाता है। लाइक अभी भी मैंने ये कुर्ती जो पहनी है एंड रेड एंड ऑरेंज येलो टाइप का दुपट्टा है, तो इसके साथ भी कॉन्ट्रास्ट में अच्छी तरह से मैच हो रही है। तो ये वाली एक बेसिक ईयरिंग है एंड एक और दिखाती हूँ मैं, देखिए एक ये है मेरे पास गोल्डन में, देखिए। तो ये क्या है, हम लोग इंडियन अटायर जो भी रहता है हम लोग का उसमें बेसिकली गोल्डन या सिल्वर वर्क वाले जो रहते हैं ईयरिंग्स वो काफी अच्छे से चल जाते हैं। तो एक स्टेटमेंट ईयरिंग में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एक गोल्डन में इन्वेस्ट करिए एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करिए एंड मल्टी कलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको मिनिमम रखना है अपना वार्डरोब। तो ये है गोल्डन वाली एक मेरे पास जो काफी सुंदर लगती है एंड अगेन ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, बट जो अभी मैंने पहना हुआ है ये तो मैंने अमेजोन से ही लिया था, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। मैंने पहले भी कई बार इसको पहना है, मैं साड़ी के साथ भी इसको पहन लेती हूँ एंड सूट वगैरह के साथ भी पहन लेती हूँ, तो काफी लाइक इंस्टेंटली मेरा लुक एनहांस हो जाता है एंड काफी, देखो अभी भी अगर आप मेरे लुक को देख रहे हो तो मैं एकदम सिंपल गेटअप है मेरा एंड मेकअप भी मैंने कुछ खास किया नहीं है, बट ये स्टेटमेंट ईयरिंग की वजह से मैं एकदम पार्टी रेडी हो गई हूँ। तो इस चीज को आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है एंड मस्ट हैव है जो आपके पास होना ही चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट मस्ट हैव जो आपके पास होना ही चाहिए वेडिंग सीजन के लिए वो है एक हैवी दुपट्टा। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि आप कोई भी सिंपल ड्रेस पहन लेंगे और उसके साथ हैवी दुपट्टा कैरी करेंगे तो बहुत अच्छे से एक लाइक इंस्टेंटली ग्लैमरस लुक आता है आपको एंड लाइक आप इंस्टेंटली पार्टी रेडी हो जाते हैं। एंड अभी भी मैंने प्लेन कुर्ती पहनी हुई है एंड थोड़ा हैवी, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है बट गोटा पत्ती का इसमें वर्क है एंड ये पर्ल का लेस डिटेलिंग है एंड बंधेज का दुपट्टा है, तो इसी से मेरा एक वेडिंग लुक रेडी हो गया है। तो मैं बेसिकली हैवी दुपट्टा बहुत ज्यादा कैरी नहीं करती बट कोशिश करती हूँ कि मेरे पास दो तीन बेसिक हैवी दुपट्टाज रहें जो मैं मल्टीपल वे में उसको यूज कर सकूँ एंड मल्टीपल क्लोथ्स के साथ उसको यूज कर सकूँ। तो एक बंदेज दुपट्टा तो आपके पास होना ही चाहिए एंड एक बनारसी दुपट्टा भी होना चाहिए। तो ये है मेरे पास एक बनारसी दुपट्टा, देखिए आई होप आपको दिख रहा हो। तो मैं किसी दिन अपना वार्डरोब कलेक्शन भी जो रहता है मेरा लाइक क्या बोलेंगे उसको, क्लोजेट टूर भी अपना करा दूंगी किसी दिन, अपना कलेक्शन भी शेयर कर दूंगी लाइक दुपट्टा कलेक्शन एंड ईयरिंग कलेक्शन। अभी बहुत ज्यादा अच्छा खासा कलेक्शन नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं बेसिक मिनिमम रखती हूँ चीजों को बट स्टेटमेंट वाले रखती हूँ जो मल्टीपल यूज भी हो जाते हैं एंड बेसिक मस्ट हैव जो आपके पास होने ही चाहिए, तो वैसी चीजें मैं भी रखती हूँ इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ आज आप लोग से। तो ये एक बनारसी रेड दुपट्टा है जो कि मल्टी यूज है, आप कोई भी व्हाइट प्लेन कुर्ती पहन लो, कोई भी ब्लैक कुर्ती पहन लो, तो उसके साथ ये रेड बनारसी दुपट्टा बहुत अच्छे से मैच होगा। एंड अगेन ये जो बंदेज दुपट्टा है या कोई भी किसी भी कलर के प्लेन कुर्ती पहन ले तो उसके साथ बहुत सुंदर लगेगा। आप ब्लू कुर्ती पहन ले, व्हाइट कुर्ती पहन ले, या रेड तो जाएगा ही इसके साथ, येलो ऑरेंज भी जाएगा एंड कॉन्ट्रास्ट में आप चाहें तो ब्लैक भी पहन सकते हैं, बहुत सुंदर से ये हर कुर्ती के साथ मैच हो जाती है एंड इंस्टेंटली आपको लाइक पार्टी रेडी दिखाती है। तो आपके पास एक हैवी दुपट्टा होना ही चाहिए एंड मेरे पास एक पिंक कलर का भी बहुत सुंदर पार्टी लाइक हैवी दुपट्टा है, काफी सुंदर। तो वो दुपट्टा के पीछे क्या राज है एक मैं उसको आपको बाद में शेयर करूंगी। तो
तो मैं दुपट्टा किस टाइप से मैंने उसे बनाया है वो मैं किसी दिन शेयर करूंगी आप लोग से। तो पिंक दुपट्टा हैवी वाला मैं अगर होगी तो पिक्चर में इंसर्ट कर दूंगी। कोई बेसिक अच्छे दुपट्टे में इन्वेस्ट करना चाहिए, हैवी दुपट्टे में, जिसके आप मल्टीपल टाइम यूज भी कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीजों के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं एंड बहुत सारे आउटफिट्स रेडी कर सकते हैं। तो ये भी एक मस्ट हैव है। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट मस्ट हैव जो आपके पास होना ही चाहिए वो है एक रेड लिपस्टिक। तो मेरे पास है ये, एक दिखा रही हूँ मैं, ये है एसक्यू की रेड लिपस्टिक। तो ये है एसक्यू की, कौन सा शेड है मैं बताती हूँ, ब्लड ऑफ माई एनिमीज। ये बहुत सुंदर रेड कलर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओह सॉरी, देखिए बहुत सुंदर रेड शेड है। और जब भी मैं इसको वेयर करती हूँ तो सबको ही मेरे को पूछते हैं कि कौन सा शेड है ये। लाइक मैं एकदम न्यूड है, मेरा फेस बिल्कुल भी कुछ भी मेकअप नहीं है। एंड अगर मैंने इस लिपस्टिक को सिर्फ यूज कर लिया तो मेरा लाइक मैं एकदम पार्टी रेडी हो जाती हूँ। तो मैं ये वाली लिपस्टिक बहुत ज्यादा लाइक फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ वेडिंग्स पे, फेस्टिवल्स पे, एंड बहुत सुंदर लुक देती है एंड पार्टी रेडी कर देती है मुझे इंस्टेंटली, ग्लैमरस लुक देती है। तो और एंड ये चीज़ भी है कि रेड लिपस्टिक्स में पिक्चर्स भी बहुत अच्छे आती है एंड अच्छा ग्लो ही लगता है आपका फेस, लाइक आपकी स्किन टोन भी एनहांस होती है। तो एक अच्छा रेड लिपस्टिक आपके पास होना ही चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि ये वाली लिपस्टिक आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी है। एंड ये मैंने पर्पल से लिया था एंड डिस्काउंट था शायद इसमें, ये 500 समथिंग की है बट बहुत अच्छी लिपस्टिक है ये। तो मैं इसको रेकमेंड करूंगी अगर आप अच्छी रेड लिपस्टिक लेना चाहते हो तो। ये शेड है ब्लड ऑफ माई एनिमीज, बहुत अच्छी शेड है ये। एंड आप अपने लाइक चॉइस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, कोई भी रेड लिपस्टिक आप अप्लाई कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, बट एक रेड लिपस्टिक मस्ट है आपके लिए अगर आप वेडिंग सीजन्स के लिए रेडी हो रहे हैं तो। सडनली एंड इंस्टेंटली आपके लुक को वो एनहांस ही करता है एंड ग्लैम अप करता है आपके लुक को। तो ये भी एक मस्ट है मेरे तरफ से। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने इंक्लूड किए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड एक्चुअली वर्क करते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालती जब भी रेडी होती हूँ। तो लाइक मैं क्विक रेडी हो जाऊँ एंड कम चीज़ों के साथ यूज कम चीज़ों को यूज करके रेडी हूँ एंड अफोर्डेबल भी रहे चीज़ें, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं रेडी होती हूँ एंड यूज़ करती हूँ चीज़ों को। तो ये मस्ट हैव चीज़ों को यूज़ करके आप भी एक पार्टी रेडी एंड ग्लैमरस लुक पा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ों का लिंक अगर रहा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा। एंड ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, एक थम्सअप दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ये सीरीज अभी मैं कंटिन्यू करूंगी, तो आप स्टे ट्यून रहिए कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो आने वाली है। इसमें ये एक प्लेलिस्ट मैंने बना ली है तो आप चेक करना मत भूलिएगा इसको जब भी मैं इसमें वीडियोज अपलोड करूंगी। तो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।